नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया था, इसी दौरान डंपर संचालक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। फिलहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र के इंदिरा एकता नगर में रहने वाले गणेश कुशवाहा नामक 22 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक गणेश नगर निगम में डंपर संचालित करता था। 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। घटना के वक्त परिवार के सदस्य एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। जब भाई शाम को घर आया तो घर का चैनल गेट ताला बंद था। जब ताला तोड़कर अंदर घुसा, देखा गणेश फांसी के फंदे पर झूल रहा था। सूचना पर से पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए एम्बा अस्पताल भिजवा दिया था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरा छोटा भाई गणेश कुशवाहा, मुझे घर वाले शादी में गए थे मेरे घर वाले, तो मैं गैरेज पे गया था काम पे। शाम को जब मैं आया तो जब मैंने देखा चैनल गेट में ताला लगा था, मैंने भाई को आवाज लगाई। जब देखा उसने सुना नहीं, ताला तोड़ा तो देखा वो फांसी लगी हुई है। काम मजदूरी, हाँ डंपर वंपर वगैरह चलते थे नगर निगम में, तो उसकी देखरेख वगैरह करना। 3 महीने नहीं, परेशानी कुछ भी नहीं थी, कोई विवाद वगैरह। पत्नी मम्मी पापा के साथ में गए थे शादी में, कोई कुछ भी नहीं है। लाल सिंह कुशवाहा, अमृत लाल, मृतक गणेश पिता प्रकाश, उम्र करीब 22 साल, निवासी इंदिरा एकता नगर का। मृतक ने स्वयं ने कहीं कमरे में ही फांसी का फंदा लगा लिया था, जिसे इलाज हेतु यहाँ लेके आए थे एम्बुलेंस में, डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया। मृतक के स्वयं के डंपर अंपर हैं, जिसके खुद ही संचालन करता था। बता रहे कि 2-3 महीने पूर्व ही हुई थी शादी, कुछ भी नहीं इस प्रकार से। उप निरीक्षक नूर मसीद, थाना आजादनगर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।